पहली न्यूज़ है वो आईचम्प से है। इस साल आईचम्प्स के अंदर लगभग 60% तक जो सीट्स थी वो वैकेंट रह गई है। मान लीजिए अगर टोटल आईचम्प्स के अंदर जो सीट है 100 होती हैं तो लगभग सिर्फ 40 सीट ही भर पाई है, 60 सीट खाली रह गई हैं। क्या जो आईचम्प्स का क्रेज़ था वो कम होने लगा है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो आईचम्प्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, या वो इस इंडस्ट्री में ही नहीं आना चाहते हैं? बट अगर आप देखेंगे इस समय लिंक्डइन के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमने ढेर सारी वैकेंसीज निकाली रहती है। मतलब मार्केट के अंदर डिमांड तो है, बट क्या हम उनको सही स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं? इवन जितने भी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उन लोगों से भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम है, उनको हमको चेक करना होगा। हो सकता है कि हमें उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ उनको एक तरीके से जॉब के लिए ही तैयार कर रहे हैं, वो छोटी मोटी जॉब 10-12-15 हज़ार की। बट वहीं अगर हम उनको एक नया प्रोस्पेक्ट दे दें, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ में आप लोग भी नीचे कमेंट कीजिएगा, और जो भी ऑफिशियल्स देख रहे हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के, आप CEO हो गए, उनके फाउंडर्स हो गए, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। दूसरा यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है राकेश झुंझुनवाला की, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में शुरुआत करी थी, और जिस समय इनकी डेथ हुई उनके पास लगभग $ में 3.8 बिलियन डॉलर थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे इनकी न्यूज़ इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि इन्होंने अभी जो अकाशा एयर है, जो कि लो कॉस्ट कैरियर है इंडिया का, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर अकाशा एयरवेज़ में लगभग यहाँ पे 35 मिलियन जो डॉलर है वो इन्वेस्ट किए थे, बट वो उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, जो कि बहुत सैड है। देखते हैं अभी जो अकाशा एयर है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर पाती है। तीसरी और आखिरी न्यूज़ यहाँ पे जो शेफ कार्ट की है, जिन्हें कि 2 मिलियन की फंडिंग मिली है। शेफ कार्ट है एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गुड़गांव बेस्ड है, जो कि आपकी होम कुकिंग को का एक तरीके से सोल्यूशन है। अगर आप घर में खाना बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल कुक आपके पास आके खाना बना जाए, तो ये एक तरीके से यहाँ पे एग्रीगेटर का काम करते हैं। तो बहुत ही एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी बताइएगा। सेम आप बोल सकते हैं जिस प्रकार से पहले अर्बन क्लैब करता था, सेम वही है। बट इनकी जो जिस प्रकार से इन लोगों को फंडिंग मिली है, तो लगता है कि ये लोग भी अभी फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा करेंगे।